हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी जरूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के बारे में। स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है 2024 में। इनकी हम डिटेल्ड रीडिंग करेंगे, लाइक मंथ वाइज मैंने जैसे ये स्प्रेड किए हैं मंथ्स के नेम, ऐसे ही हम वन वन कार्ड से डिटेल रीडिंग करेंगे कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर मंथ में स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से हम पूरे साल की यहाँ पे रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को रोक के अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, अपने भगवान से मांग सकते हैं कि 2024 में आप अपने लिए क्या चाहते हैं। हो सकता है आपके प्रेयर, आपकी कलेक्टिव प्रेयर ही इस रीडिंग की दिशा बदल दे कहीं ना कहीं। सो मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों की रीडिंग। इसमें हम 12 कार्ड्स पुल करेंगे और हर मंथ के लिए एक कार्ड रखेंगे और उसी से हमें पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कि उस मंथ में थ्रू आउट क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, कैसा एनर्जी रहने वाला है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, क्या चीज़ कम करनी है, क्या चीज़ ज़्यादा करनी है। सो इस तरह का रहेगा। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम 12 मंथ्स की रीडिंग एक साथ कर रहे हैं। फिर भी कोशिश करूंगी कि रीडिंग को फालतू में लंबा ना खींचूं, सो दैट आपके जिसे कहते हैं ना समय का सदुपयोग हो पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये ले लिए हैं मैंने कार्ड्स यहाँ पे। और एक चीज़ और है, इन कार्ड से हम डिटेल रीडिंग करेंगे लेकिन इसमें कभी कभी होता है कि कोई मैसेज अगर हमें क्लियर ना हो सोल ट्राइब के लिए, तो हम राइडर वेट से उसकी गाइडेंस लेंगे और पर्टिकुलर उस चीज़ को ढूंढेंगे कि क्या चीज़ है जो इस कार्ड से हमें फुली फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वैसे तो ओशो के कार्ड से हमें मोस्ट ऑफ द टाइम फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स ही देख लेते हैं। ओके, दी माइजर, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग अवेयरनेस, कंप्लीशन, हार्मनी, देखिए कंप्लीशन के बाद ही हार्मनी आया है, वाह, साइलेंस, देन कंट्रोल, ओके, अलोननेस, ठीक है, एंड पास्ट लाइव्स, ओके, क्रिएटिविटी, हीलिंग, गुड, एंड देन है शेयरिंग, ठीक है, गुड, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले कार्ड से शुरू करेंगे, दी माइजर, क्योंकि 2024 से आप लोगों का इस टोन पे शुरू हुआ है तो थोड़ा सा इसको जानेंगे। दी माइजर क्या होता है? माइजर होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई चीज है और वो उसको शेयर नहीं करना चाहता है। माइजर क्या एक ऐसा इंसान है जिसके पास वो चीज ना हो और वो शेयर ना करना चाहे? नहीं, ये तो केस ही नहीं होता है। उसको तो फिर हम बेगर बोलेंगे कि किसी इंसान के पास वो चीज है ही नहीं और वो शेयर नहीं कर सकता उसको, वो तो उसकी मजबूरी हो गई है, फिर तो वो भिखारी है, उसको तो बेगर बोलेंगे। लेकिन कार्ड तो आया है दी माइजर का। सो माइजर में कहीं ना कहीं जो मैं कलेक्टिव एनर्जी पिक कर पा रही हूँ स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की, कि ये कहीं ना कहीं इमोशनल, जिसे कहते हैं ना माइजरी है, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे आप लोग अपने इमोशंस को, जिसे कहते हैं ना, अपने अंदर बंद करके रख लेना कि अब शेयर नहीं करना है किसी से। कुछ पर्टिकुलर लेसन हम लोग सीख लेते हैं गलत लोगों से, गलत चीज़ों से, और फिर हम उनको जनरलाइज कर देते हैं कि हाँ सभी ऐसे हैं और हमेशा ही ऐसा होता है और सब ऐसे ही होंगे और सब ने इस तरह से ही रिस्पोंड करना है इन चीज़ों को। सो क्यों ना मैं इन चीज़ों को अपने तक ही लिमिटेड रखूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं 2024 स्टोन पे शुरू होता हुआ मुझे स्कॉर्पियो सोल ट्राइब के लिए फील हो रहा है। और तभी मैंने बोला था स्कॉर्पियो सोल ट्राइब को कि थोड़ा अपने लिए प्रेयर कर लें, क्योंकि कलेक्टिव जो मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे एनर्जी, वो कहीं ना कहीं 2023 के एंड तक बिट्रेयल और कहीं ना कहीं कोई फायदा उठा ले किसी का, हाँ, एक्सप्लॉयटेशन, और जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा इमोशनल ट्रोमा,
थोड़ा क्या बल्कि ज्यादा ही है, थोड़ा इमोशनल ट्रोमा उसको बोलेंगे, और मतलब थोड़े जिसे कहते हैं धोखे मिलना प्यार में, पार्टनरशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, लोगों से धोखे मिलना कहीं ना कहीं 2023 इन चीजों से भरा हुआ। कहीं ना कहीं मैंने ये कलेक्टिव एनर्जी पिक की है, हालांकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है हर किसी का ये पर्टिकुलर केस ना हो, पर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग हो रही है तो कलेक्टिव एनर्जी ही पिक होगा यहाँ पे। तो ये माइजर वाला जो है कार्ड, इसमें यही है कि कहीं ना कहीं सोल ट्राइब है जो माइजर की एनर्जी में जाएगा 2024 में, सॉरी जनवरी में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से वो हैवी कार्मिक काट के आया है, तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना थका हुआ है और अपने में ही रहना चाहता है और चीजों को भी शेयर करने के मूड में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जनवरी की ही एनर्जी है, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। और अगर ये बीच में कहीं आता तो इसका मतलब कुछ और होता, लेकिन ये शुरू में ही आया है। और 2023 हम सबका कैसा रहा है, कितना मुश्किल ये साल था, किस किस तरह की हिंड्रेंसेस आई हैं, किस किस तरह के हर्डल्स आए हैं, हम सब जानते हैं। सो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे कि ठीक है, दिस इज नेचुरल और ये फोर टाइम बींग ही है, और जनवरी में ही कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग का। सो आप उसके बाद फेब में, फरवरी का जो कार्ड है एक्सपीरियंसिंग, सो कोई भी चीज अगर डीपली एक्सपीरियंस करना हो आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, सोच के बताओ। रीडिंग को पॉज कर लो, अगर आपको किसी चीज का डीप एक्सपीरियंस लेना है, सो आप क्या करते हैं उसके लिए, सोचा होगा आपने। ठीक है, हो सकता है आपका जवाब बिल्कुल सही हो सकता है सही के आसपास हो, लेकिन इसका सही जवाब है कि जब आपको कोई चीज एक्सपीरियंस करनी होती है ना, डीप डीप एक्सपीरियंस आप चाहते हैं, तो आपको अपने आप को उसमें पूरा झोंक देना होता है, पूरा अपने आप को खो देना होता है, खुद को नहीं बचाते हैं। अगर इसको मैं प्यार के उसमें समझाऊं, तो डीप जो लव है उसका एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी तो ऐसे ही होता है ना, खुद को बिल्कुल खो देना, खुद को बिल्कुल झोंक देना, खुद को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सामने वाले को ज्यादा तवज्जो देना, और मतलब जिसे कहते हैं कि हर तरीके से अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना कि हाँ ठीक है, आई एम देयर। आप खुद को बचा बचा के तो किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं ना, डरे डरे सहमे सहमे से रह के एक कॉर्नर में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कुछ भी। अब मैंने एग्जाम्पल दिया है ये प्यार का, ये किसी भी एग्जाम्पल में आप इसे कन्वर्ट कर लो, किसी भी चीज का फुल एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने आप को मिटा देना, अपने आप को खो देना उसमें, बिल्कुल डूब जाना जिसे कहते हैं ना कि डूब गया मैं इस चीज में, वो जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं फेब में सोल ट्राइब की मैक्सिमम लोगों की एनर्जी है कि वो जो भी उन्हें एक्सपीरियंस हुए हैं, अब है तो ये एक्सपीरियंसिंग का कार्ड, लेकिन जो एनर्जी पिक हो रही है वो है कि जो भी उनके पास्ट के एक्सपीरियंस हुए हैं और जिसकी वजह से वो फोर टाइम बींग ही जाएंगे। हालांकि ये जैन में आया है, लेकिन पूरा जनवरी भी आप इस तरह की फीलिंग्स में मुझे नहीं दिख रहे हैं, फोर टाइम बींग आप जाएंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप रिकॉल करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को कि आपने अपनी जितनी पास्ट लाइफ है, जो लाइफ का आपका पास्ट हो गया है, उस पास्ट में से आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, धोखे के हैं, फायदा उठाने वाले हैं या फायदा उठवाने वाले हैं, बुरा करने वाले हैं या बुरा अपने साथ सहन करने वाले हैं। सो आप उन सब एक्सपीरियंसेस को मुझे कहीं ना कहीं रिकॉल करते हुए इसमें दिख रहे हैं, और ये अच्छी बात होती है, क्योंकि आज की हमारी जो लाइफ है ना, वो बड़ी भागदौड़ वाली लाइफ हो गई है, और हम रुक के ठहर के देखना ही नहीं चाहते हैं कि हम जो जिसे कहते हैं ना कुल हासिल क्या है इस जीवन का, इस भागदौड़ का, इस आपाधापी का कुल हासिल क्या है। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब मुझे फरवरी में थोड़ा रिलैक्स होके अपना जो कुल हासिल है, जो उन्होंने क्या हासिल किया है, वो कहाँ पहुंच गए हैं, उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने क्या खोया है, उस पे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना चिंतन करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, सोचेगा उस बारे में, समझेगा डीप, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा कि ये लाइफ जो है आखिर किस रास्ते पे लेके जा रही है, क्या हासिल है अब तक जो जीवन जिया है हमने 20 साल, 30 साल, 40 साल, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है वो 18+ ही है और 60+ तक मेरा ऑडियंस है। तो ये सारा का सारा ऑडियंस कहीं ना कहीं, हो सकता है उसमें से हर कोई मेरी ये वीडियो ना देखे, लेकिन उसमें से ये फीलिंग मोस्टली कलेक्टिव फीलिंग स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की रहने वाली है कि वो रुक के थम के देखेगा, तोलेगा कि मैंने क्या दिया है, मुझे क्या मिला है,
मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे वही रिपीट करना है। अगर मैं वही रिपीट करूंगा तो सेम से एक्सपीरियंसेस आएंगे, और अगर मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, मैं उन पुराने एक्सपीरियंसेस से डन हो गया हूं, तो मुझे कुछ नया भी करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे एनर्जी एकदम चेंज हो गई है। देखिए शुरू कहाँ से हुई थी, एनर्जी माइजर में चले गए हैं कहीं ना कहीं, जिससे कहते हैं अपने में बंद हो जाना, अपनी बातों को शेयर ना करना, थोड़ा आइसोलेशन में चले जाना, थोड़ा डर जाना, थोड़ा पैनिक में आ जाना, घबरा जाना, किसी पे विश्वास ना करना, शुरू यहाँ से हुए थे। फिर थोड़ा सा तोला चीजों को कि कैसे हुआ क्या हुआ, अपनी भी गलतियों पे गौर किया, दूसरों के साथ भी थोड़ा सा लूजन अप हुए, जितना हम टाइट हुए हुए थे यहाँ पे कि ठीक है सब बुरे हैं सब बुरे हैं, जनरलाइज वे में हमने सबको बुरा देख लिया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपीरियंसेस को जब तोल के देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, ठीक है, अच्छे को रख लिया बुरे से सीख लिया, बस बस इसको आपने यही छोड़ दिया है। और अगर नहीं छोड़ोगे तो छोड़ देना, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शंस हम देखते हैं उनका क्या फायदा है, अगर कुछ गाइडेंस मिल रही है हमें, अगर पहले से हमें बताया जा रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है ऐसा होने के चांस हैं, तो अगर वैसा होने पे हम उससे कुछ अच्छा ना करें, कुछ अच्छा ना सीखें, फिर रीडिंग देखने का फायदा भी क्या है। सो यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी एकदम कम्प्लीटली चेंज हो गई है थ्रू द कार्ड ऑफ अवेयरनेस। अब ये एक ह्यूमन बीइंग है, सपोज कीजिए ये स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का कोई ह्यूमन बीइंग है, और इसके अंदर ही क्या है, ये देखिए लॉर्ड शिवा है, ये अंदर जो इनके दिखाए हुए हैं लॉर्ड शिवा है, वही शिव, वही शिवो हम, वही कि मैं शिव हूं, वो शिव जो हम सबके अंदर वास करते हैं, वो शिव जो हम सबके अंदर वास करते हैं, तो थ्रू अवेयरनेस, ठीक है, जरूरी नहीं हर किसी को शिवा ही फील हो, अगर कोई किसी और डेटी को मानता है तो उसको वो फील होगा, ठीक है, कोई जिस भगवान को मानता है, कोई जिस धर्म को मानता है, जरूरी नहीं है सब लोग एक ही धर्म की इस रीडिंग को देखें, तो किसी के लिए जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, किसी के लिए वाहेगुरु हो सकते हैं, किसी के लिए खुदा हो सकता है, ठीक है। सो अब इसमें जो है, जो भी मतलब जिसमें आपका विश्वास है, कहीं ना कहीं थ्रू अवेयरनेस आप उसको जानेंगे, आप जो ह्यूमन बीइंग का जिसे कहते हैं ना, जो अपने कपड़े पहने हुए हैं, जो बॉडी है ये हमारे कपड़े हैं, सो इन कपड़ों के भीतर, और सबके अलग अलग कपड़े हैं, यानी कि सबके अलग अलग शरीर हैं, तो इन शरीरों के भीतर वो जो एक है, वो जो शिव है, वो जो एक वाला तत्व है, कहीं ना कहीं उसको जानते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसिंग का जो कार्ड आया है ना, ये जो आपने बैठ के आराम से सब अच्छे से सोचा, अच्छे से देखा, नापा तोला, तो उसमें आपको पता चला है कि जो मैं एक बना लिया है ना विश्वास कि सब बुरे हैं और मेरे साथ बुरा होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मेरे साथ भी अच्छा होता है, मेरे पास भी अच्छे लोग हैं। फर्क सिर्फ इतना था इससे पहले जब ये एक्सपीरियंस से आप नहीं गुजरे थे, फर्क सिर्फ इतना था कि आप नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीजें जो हुई हैं, सिर्फ आपका फोकस उस पे था, लाइक एक ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, ठीक है, एक इंसान कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है, एक इंसान कहेगा ग्लास आधा खाली है, ठीक है, और रेयरली कोई इंसान होगा जो कहेगा ग्लास आधा खाली भी है आधा भरा भी है, कौन बोलता है ऐसे, कोई भी नहीं बोलता है, ठीक है। मोस्टली हम लाइफ के एक एस्पेक्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी नेगेटिव, मोस्टली नेगेटिव होता है और समटाइम्स पॉजिटिव होता है। सो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में फैब में मुझे दिख रहे हैं कि ग्लास आपको आधा भरा हुआ भी दिखेगा और आधा खाली भी दिखेगा, और आप ज्यादा फोकस करेंगे कहीं ना कहीं जो ग्लास भरा हुआ है, जो आपको मिला है, जो आपको अच्छा हुआ है आपके साथ, जो अच्छी चीजें हैं लोगों में या आप में, जो लाइफ ने अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको बख्शे हैं ना कहीं उस चीज की अवेयरनेस में मुझे जाते हुए आप मार्च में दिख रहे हैं। इसके बाद कार्ड लेते हैं कंप्लीशन का, आपके तो कार्ड्स देखिए ना यहाँ पे, अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं, इन सब का टोन एक है, ब्लू टोन है, और जो ब्लू कलर होता है ना इटसेल्फ, जो ब्लू कलर होता है कहीं ना कहीं हमारे सेवेंथ चक्रा जो है ना, हमारा सहस्रार चक्रा, हाँ, और जिसे कहते हैं क्राउन चक्रा, आज्ञा चक्रा, छठा जो चक्र है हमारा क्राउन चक्रा, जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र, और सातवां जो चक्र है हमारा वो होता है सहस्रार चक्र, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये दोनों चक्रों पे ना काम होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो ब्लू कलर की एनर्जी होती है ना, ये हमारे सिक्स्थ और सेवेंथ चक्रों की एनर्जी होती है, क्राउन चक्रा, हाँ, जो कि हमें जिसे कहते हैं कि सबसे ऊपर का चक्र है, उसकी एनर्जी मोस्टली इस तरह की ब्लू होती है। सो उसमें कहीं ना कहीं जब आप इस तरह की एनर्जी में जा रहे हैं ना, अवेयरनेस, सो अवेयरनेस, जब भी आप अवेयर होते हैं चीजों के लिए, लोगों के लिए, सो कहीं ना कहीं
आपका क्राउन चक्रा खुलता है, और क्राउन चक्रा जब खुलता है, जैसे देखिए ना ये आया है, पीस ऑफ पजल है ये, तो कंप्लीशन हो गया है, यानी कि इस इंसान ने सारे जो पीस हैं वो जोड़ लिए हैं कहीं ना कहीं, और एक कंप्लीट पिक्चर अब बन गई है। अगर इन पीसेस को देखें अलग अलग, तो क्या इससे एक बच्चा दिख रहा था आपको कि ये बच्चे की पिक्चर बनेगी? नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक एक करके जब हमने ये पीस ऑफ पजल्स आपस में जोड़े, और जो आखिरी आखिरी वाला जो पीस था ना, उसने कहीं ना कहीं कंप्लीशन दिया। अब इसको समझते हैं, अभी तो ये कार्ड को समझा हमने, अब स्कॉर्पियो सोल ट्राइब की लाइफ में इस चीज को समझते हैं। सो कहीं ना कहीं जब आपने ये एक्सपीरियंसिंग वाले में गए ना फेब में, ये बात यहां से शुरू हुई थी, जब आपने अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छे से नाप तोल के देखा, ठीक है, और कहीं ना कहीं अवेयर हुए कि नहीं, जरूरी नहीं है सब अंधेरा ही है, अभी उजाला भी है, जरूरी ही नहीं है कि कुछ सब लोग बुरे ही हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन का कार्ड इसीलिए आया है। अप्रैल में कहीं ना कहीं आप इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं कि आप दो तरह की एनर्जीज पिक कर पा रहे हो, आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, काफी सारा सोल ट्राइब इस तरह से फील करेगा कि ठीक है ठीक है, मैं अपने आप में ही कंप्लीट हूँ। कहीं ना कहीं वो पीस ऑफ पजल जो है ना एक इंसान का, जो वो इंसान ढूंढता है बाहर कि यहाँ मुझे मिल जाएगी खुशी, हाँ खुशी ढूंढते हैं ना हम, अब हम अपना मीनिंग ढूंढते हैं, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं, कभी किसी इंसान में ढूंढते हैं, कभी एक पर्टिकुलर करियर में ढूंढते हैं, पर्टिकुलर नौकरी ही हमारे लिए मीनिंग बन जाती है कभी कभी, ठीक है, कोई एक इंसान हमारी लाइफ का मीनिंग बन जाता है, तो वो जो मीनिंग है कहीं ना कहीं आप मुझे अपने अंदर ही ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं अप्रैल में, और वो आप ढूंढ भी लेंगे, वो कंप्लीशन की फीलिंग कहीं ना कहीं आप अपने अंदर फील करेंगे। और अगर बाहर देखूं तो बाहर, क्योंकि जो अंदर है वो ही बाहर है, तो बाहर भी मैं देख रही हूं कि लोगों के साथ, चीजों के साथ और सिचुएशंस के साथ भी कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन की एनर्जी में जाएंगे, कि आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है अगर ऐसा है तो इट्स ओके, हाँ और ठीक है चीजें ऐसे ही होती हैं, ठीक है लोग ऐसे ही होते हैं, लोगों से गलतियां हो जाती हैं और लोग अपनी गलतियां मानते भी नहीं हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में आप जाते हुए मुझे अप्रैल में दिख रहे हैं। अब लेते हैं कार्ड हार्मनी का। अब जो हार्मनी है इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक इसका हार्ट चक्रा है, और अभी ये सिक्स्थ वाला चक्र जो है जिसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, ठीक है, ये इसका हृदय चक्र है, और ये इसका जिसे कहते हैं आज्ञा चक्र है, ये फोर्थ है और ये सिक्स्थ है। तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं हार्ट की हीलिंग होगी आपकी, और जब आप इस तरह की एनर्जी में जा चुके होते हैं ना, आप अवेयर हो जाते हैं, आप ढेर सारी चीजें एक्सपीरियंस करके चीजें सीख लेते हैं, आप अवेयर हो जाते हैं चीजों के लिए, होश से भर जाते हैं, विवेक और बुद्धि से चीजों को देखते हैं, ना कि जिसे कहते हैं ना रंगीन चश्मे, रंगीन चश्मों से देखते हैं ना हम जीवन को मोस्टली, तो रंगीन चश्मे आप उतार के रख देते हैं, अवेयरनेस से चीजों को देखते हैं, ध्यान से, ध्यान ही तो है ना असली चीज। आपके साथ अगर धोखा हो रहा है बार बार तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में ध्यान की कमी है, आप ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, आप किससे प्यार कर रहे हैं, आपने जो पार्टनरशिप पर्टिकुलर बिजनेस की कर ली है वो किसके साथ कर ली है। सो ध्यान की ही तो कमी है, तभी तो बार बार हो रहा है वो पैटर्न, जो पैटर्न रिपीट होके आपको दुख दे रहा है ना, वो पैटर्न भी सेल्फ यही चाहता है कि भाई इस पैटर्न को तोड़ो, और उस पैटर्न को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको अवेयर होना पड़ेगा, जो कि आप मार्च में हो रहे हैं, और देन यू विल गो इन द फीलिंग ऑफ कंप्लीशन। और ये हार्मनी भी यही है, जिसे कहते हैं दिल और दिमाग कह लीजिए चाहे तो, ठीक है, चाहे जिसे कहते हैं कि हार्ट चक्र और ये आज्ञा चक्र, ये कहीं ना कहीं बैलेंस में आ गए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो भी कॉन्ट्राडिक्शंस थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं। मई में कहीं ना कहीं आप हार्मोनियस फील करेंगे। आप ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे घूमने फिरने या वेकेशन के लिए जाएं जहां पे आपको हार्मोनियस फील हो, और कहीं ना कहीं ये मुझे समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे जहां पे पानी बह रहा है, ढेर सारा पानी है, वो फील हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं वेकेशन पे भी जा सकते हैं जहां पे जाके आपको हार्मोनियस फील होगा। आप किसी रिट्रीट में भी जा सकते हैं, ऐसा भी है कुछ कुछ काफी लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो कोई रिट्रीट ज्वाइन करेंगे और हार्मोनियस फील करेंगे कहीं ना कहीं, या हो सकता है आप अपने घर में ही हो, अपनी लाइफ में ही हो, अपने काम पे ही हो, वहां पे भी हार्मोनियस सिचुएशंस डेवलप हो, क्योंकि अगर आप अंदर हार्मनी फील करते हैं तो बाहर आपको हार्मोनियस कंडीशंस मिलती हैं। आप देख लेते हैं जून में, जून में क्या रहने वाला है, साइलेंस, वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं हम कहां से शुरू हुए,
फुली नेगेशन से हमारा शुरू हुआ साल, पूरी नेगेटिविटी में हम गए, एक्सपीरियंसेस लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट, अवेयरनेस में गए, कंप्लीशन की फीलिंग में गए, हार्मोनियस हमने फील किया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद साइलेंस ही आएगा ना, आप चुप हो जाएंगे, ठीक है, साइलेंट हो जाएंगे, जितना जरूरी होगा उतना बोलेंगे, अपने काम से काम मतलब से मतलब रखेंगे, लेकिन किसी के प्रति मन में जैसे कहते हैं ना कड़वाहट नहीं रखेंगे। दो तरह की साइलेंस होती है, एक तो होता है साइलेंट ट्रीटमेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट तो आप सबको पता होगा, खूब खूब देते हो ना अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को, बोलते नहीं हो कहीं कहीं दिन तक, कहीं कहीं महीनों तक, तो साइलेंट ट्रीटमेंट यू ऑल नो। और साइलेंस क्या होती है कि ठीक है जितना जरूरी है आप उतना बोलते हो, जितना सामने वाला पूछ रहा है आप उतना बोलते हो, फालतू बोलना आप छोड़ देते हो, क्योंकि फालतू बोल के जो आप चाहते थे वो अब आप नहीं चाहते हो। फालतू हम कब बोलते हैं, अटेंशन सीक करने के लिए, वैलिडेशन के लिए, ठीक है कि कोई हमारी फीलिंग्स को वैलिडेट कर दे, तो अब आपको आपकी फीलिंग्स का वैलिडेशन बाहर से नहीं चाहिए, अटेंशन अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं कंप्लीट फील कर रहे हैं। और अगर सोल ट्राइब, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, अगर देखिए आप अवेयर हुए कहीं ना कहीं, कंप्लीट फील कर रहे हैं, हार्मनी की एनर्जी में रह रहे हैं और साइलेंस में जाते हैं, और ये साइलेंस बहुत बार ये है कि कुछ लोग प्रेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कि ढेर सारे लोग ना एक रूटीन में अपने ले आएंगे कि हाँ सुबह उठ के नहा धो के मेरे को 10-15 मिनट प्रेयर करना है, मंदिर जाना है, पर्टिकुलर पूजा करनी है, कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि साइलेंस की एनर्जी वो भी होती है कि आप साइलेंटली बैठ रहे हैं अपने साथ, तो मेडिटेशन करते हुए, कोई मेडिटेशन रिट्रीट ज्वाइन करते हुए, मैंने पहले भी बोला था रिट्रीट बार बार वर्ड आ रहा है, तो आप रिट्रीट ज्वाइन करते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, ये हार्मनी वाले कार्ड में मैंने बोला था। तो ये हो सकता है कि देखिए जून की छुट्टियां होती हैं, तो हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं थोड़ा टाइम निकाल के, और आपको जाना भी चाहिए। सो बात हो रही है कि एक साइलेंस तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट वाली होती है, और एक साइलेंस ये कि ठीक है पता चल गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, अब ना तो अटेंशन चाहिए, ना वैलिडेशन चाहिए, ना किसी को फालतू में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो इट्स ओके। तो ज्यादा बोलने का क्या फायदा है, तो कहीं ना कहीं उस तरह की सारी साइलेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि किस किस तरह की साइलेंसेस होती हैं, और किस किस तरह की साइलेंसेस में अलग अलग लोगों के जाने का कहीं ना कहीं बन रहा है। देन कार्ड आता है आपका, जुलाई में आया है कंट्रोल का कार्ड। सो कंट्रोल क्या होता है, अब क्योंकि आपके कार्ड इस तरीके से चल रहे हैं, तो कंट्रोल का कार्ड यहाँ डिफरेंट तरह की वाइब दे रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर, तो कहीं ना कहीं आपका जो सोल ड्राइव है कलेक्टिव, मुझे दिख रहा है कि वो जो अपनी चीजों को कंट्रोल करके रखता है ना इंसान, इंसान क्या है जो कंट्रोल करके रखता है, कभी वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करता है, कभी वो खुद को कंट्रोल करता है, कभी वो दूसरों को कंट्रोल करता है, और मोस्टली जो है ह्यूमन बीइंग्स दूसरों को कंट्रोल करते हैं, हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है दूसरों को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं। सो आप इस कंट्रोल की एनर्जी को छोड़ते हुए मुझे लग रहे हैं जुलाई में, कि आप जो है ना, क्योंकि आप जान गए हैं काफी अंदर की चीजें आपको पता चली हैं 2024 के जिसे कहते हैं फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ की शुरुआत ही हुई है कि आपने कंट्रोल लूज किया है कहीं ना कहीं, आपने लोगों को लोगों पे छोड़ना शुरू कर दिया है, चीजों को चीजों पे छोड़ना शुरू कर दिया, खुद को भगवान के हवाले कहीं ना कहीं कर दिया है कि ठीक है अच्छा ही है सब कुछ, तो मुझे अननेसेसरी कंट्रोल करने की चीजों को जरूरत नहीं है। सो इस तरह का एनर्जी मुझे इस कंट्रोल वाले कार्ड से आ रहा है। और अगर कहीं ना कहीं आप जुलाई में, हो सकता है कुछ लोगों में दोबारा से वो चीज आए कि मैं कंट्रोल करूं, मेरी लाइफ जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपने कंट्रोल को उस टाइम पे लूजन अप करना है। मोस्टली लोग तो करेंगे ही करेंगे, अगर कुछ लोग हैं जो सोचेंगे कि मैं लाइफ को बांध के रख लूं, खुद को बांध लूं, लोगों को बांध लूं, तो ये तरीका नहीं है चीजों के साथ और लोगों के साथ रहने का। सो कंट्रोल को कहीं ना कहीं आप लूजन अप करिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो गाइडेंस है, और अगर कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद कार्ड है, अगस्त का कार्ड आया है अलोननेस का कार्ड। सो ये अलोननेस का कार्ड क्या है, अब ये मैं इससे समझाऊंगी, यहाँ पे ना कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि देखिए जो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब है कितना बड़ा सोल ट्राइब है, लाखों करोड़ों लोग होते हैं एक सोल ट्राइब में। सो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई है, कि जो मैंने कहा कि काफी सारे लोग तो कंट्रोल को लूजन अप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि वो चीजों की सच्चाई को जान चुके हैं, वो समझ चुके हैं अंदर से, उन्होंने ये पीस ऑफ पजल जो है ना आखिरी वाला सॉल्व कर लिया है, उन्होंने देख लिया है कि चीजें वो जितना मर्जी जोर लगाए, जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं, चीजों के होने का वो ढंग है ही नहीं, चीजें उस हिसाब से होती ही नहीं। अगर गलत जगह पे जोर लगाया जाएगा
तो अच्छा रिजल्ट, सही रिजल्ट नहीं आएगा, गलत रिजल्ट ही आएगा। सो काफी सारे लोगों ने तो यहाँ पे मैंने बोला था कंट्रोल ऑलरेडी लूजन अप कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो लोगों ने कंट्रोल लूजन अप नहीं किया है, जिनका जिसे कहते हैं ना माइंड ने दोबारा उन पर क्लचेस कर लिए हैं, माइंड ने दोबारा अपना जाल बुना है कि नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो बिल्कुल ही चुप हो गया है और लोग कहीं ना कहीं तुझे कंट्रोल कर लेंगे, ये चीज भी हमारे अंदर आती है ना कि या तो मैं सामने वाले को कंट्रोल करूं और अगर मैं नहीं करूंगा तो सामने वाला मुझे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा। तो माइंड जिन लोगों पे इस तरह का इफेक्ट डालेगा ना कि मैं फिर से इसी चीज में आ जाऊं कि कहीं लोग मुझे कंट्रोल ना कर ले, तो इससे अच्छा है कि मैं ही दूसरों को कंट्रोल करूं। सो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है कि अगस्त में वो फिर बिल्कुल अलोन फील करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अच्छी सी फीलिंग हमने डेवलप की है अपने ऊपर काम करके, हम इस चीज को भी जिसे कहते हैं खो देंगे, क्योंकि ये चीजें ना सब होती हैं। एक चीज जब बन ही रही होती है ना तब उसका खोना बहुत इजी होता है। एक चीज में जब हम सालों साल रहते हैं तब वो हमारा पार्ट ऑफ दी लाइफ बन चुका होता है। तो ये नई नई सी जो अच्छी सी एनर्जी डेवलप हो रही है ना, तो अगर आप दोबारा से कंट्रोल फ्रीक बन जाएंगे ना तो फिर आप इसे खो देंगे और बिल्कुल ही अलोन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और अलोननेस भी दो तरह की होती है, एक होता है कि ठीक है हम अकेले हैं इट्स ओके, और एक होता है कि अकेले हैं हम डेस्परेट हो जाते हैं कि नहीं मैं अकेला रहना नहीं चाहता हूं, मुझे कोई चाहिए। तो ये देखिए ये कार्ड बिल्कुल उस तरह की अलोननेस का है कि आप बिल्कुल ही अकेले रह गए हैं और आप अकेला रहना नहीं चाहते हैं। सो इस तरह का आप कुछ भी मत कीजिएगा, कंट्रोल फ्रीक बनने की दोबारा आपको जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं ये दोनों गाइडेंसेज हैं, ठीक है। और जो लोग कंट्रोल को लूजन अप करेंगे उनके लिए भी है कि यहां से फिर डिफरेंट एनर्जी पिक हो रही है कि वो अलोननेस को इजीली काट लेंगे, वो उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों की सच्चाई, उनकी खुद की लाइफ की सच्चाई उनको बड़े अच्छे से पता है। तो सितंबर में फिर उसके बाद कार्ड आया है पास्ट लाइव्स का, तो हो सकता है सोल ट्राइब, स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, पास्ट लाइव्स का जो भी कर्मा है वो कुछ ना कुछ आपको सितंबर में काटना पड़े, ठीक है। जो लोग विश्वास करते हैं ठीक है, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं पास्ट लाइव्स में उनको मैं अलग तरह से इस कार्ड को पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि देखिए आपके विश्वास को तोड़ना हमारा काम नहीं है, जो विश्वास है ना इंसान का वो बहुत गहरा होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे दो तरह के लोग मुझे फील हो रहे हैं, जो विश्वास करते हैं पास्ट लाइव्स में, अभी पहले उनके लिए पढ़ती हूँ। तो उनके लिए है कि सितंबर में हो सकता है सोल ट्राइब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हों, कुछ ऐसे लोग दोबारा से वापस आएं, कुछ वो ही घटनाएं दोबारा से घटें, आपको लगे कि ये क्या हो रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा पेशेंस रखना है और जो भी आए उसे हंसते हंसते काट लेना है, उसके साथ नेगेटिव नहीं होना है, उसके साथ टायर्ड अप नहीं होना, बंधना नहीं है, जो आए उसे काट लेना है बड़े आराम से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ का कर्मा है जो सेटल होने के लिए आप तक आएगा, ठीक है। और रीडिंग्स को पहले देखने का सिर्फ इतना ही फायदा होता है कि सितंबर में जब आपके ये इस तरह का प्रॉब्लम आए तो हो सकता है आप उसे हंसते हंसते काट ले, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि हाँ सितंबर में थोड़ा सा इस तरह का मेरा होने वाला था। अब दूसरी सोल ट्राइब है जो विश्वास नहीं करती है पास्ट लाइफ्स में, तो आपके लिए कार्ड को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि जो आपका पास्ट है इसी लाइफ का भी तो पास्ट है ना आपका, लाइक अभी प्रेजेंट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, फ्यूचर में कुछ और करेंगे वो तो पास्ट में, जो आपका पास्ट है 20 साल 30 साल 40 साल जो भी आपकी एज है, तो उस पास्ट में से कोई ना कोई उठ के चल के कुछ इस तरह की घटना जो पहले भी उस तरह की हो चुकी है, कोई एक इंसान जो लाइफ से जा चुका था हो सकता है वो वापस एंट्री मारे, कुछ उसके कर्माज हों जो उसने सेटल करने हों इसी लाइफ के, तो हो सकता है वो उनको सेटल करने आए। तो आपके लिए भी सेम गाइडेंस है पहले वाले सोल ट्राइब की तरह से कि अगर उस तरह का कोई कर्मा सेटल होने के लिए आप तक आता है तो आप उसे हंसते हंसते चुका दीजिएगा, क्योंकि वो सूनर और लेटर आपको चुकाना ही था। और धन्यवाद से भरिएगा उस टाइम पे कि ठीक है भाई तू आया है मेरी लाइफ में, तो तेरी वजह से मुझे ये कर्मा काटना बहुत इजी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग के साथ जो है हंसते हंसते इस कर्मा को आपने काट लेना है। तो मैंने दोनों लोगों के लिए, दोनों सोल ट्राइब के लिए जो अलग अलग तरीके से जिनके बिलीफ सिस्टम है उनके लिए बोल दिया है, ठीक है। और फिर है अक्टूबर में कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने बोला था कि आपने इसको हंसते हंसते काटना, अगर आप इसमें फंस गए, अगर आप इसमें उलझ गए तो पूरा साल खराब हो जाएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सारा साल खराब हो जाएगा। आप मैंने इसमें फंसना नहीं है, इसको हंसते हंसते काट देना है, बल्कि धन्यवाद भी देना है, मन में अपने धन्यवाद देना है कहीं ना कहीं कि ठीक है ये सब हुआ, मैं इसे काट पाया या काट पाई तो ये खत्म हो जाएगा उसके बाद, और कहीं ना कहीं आप आएंगे अक्टूबर में क्रिएटिविटी की एनर्जी में। और अक्टूबर नवंबर हमारे होते हैं फेस्टिविटीज के डे, तो फिर बहुत अच्छी बात है उस टाइम पे
हमारा क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। सो क्रिएटिविटी क्या होती है, यानी कि आप बहुत सारा ना खुद क्रिएट करेंगे, अपने लिए जनरेट करेंगे। ये खुशियां भी हो सकती हैं, ये नए रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, ये नए फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, न्यू ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइफ के एक नए एस्पेक्ट को, कहीं ना कहीं आप अपने लिए बहुत कुछ बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं कहीं ना कहीं। सो वैसे तो आप ही क्रिएटर होते हैं अपनी लाइफ के, लेकिन पर्टिकुलरली अक्टूबर में आप इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं, क्योंकि जब आप ये काट लेंगे ना, ये कर्मा थोड़ा सा हैवी कार्मिक आएगा, इस पर जब काट लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ही क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ का, मैं अपनी लाइफ को जैसे चाहूँ वैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ठीक है, तो ढेर सारी अबेंडेंस, जॉय, प्रोस्पेरिटी, इस तरह का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, कोई नया जॉब ऑफर, कोई नई और बड़ी बिग शिफ्ट, हैप्पी चेंजेस, खुशी वाला, और उस टाइम पे फेस्टिविटीज भी होंगी, ये सब मैं आपके अराउंड अक्टूबर में देख पा रही हूँ। ठीक है, सो बड़ा अच्छा था यहाँ पे हो गया है सब कुछ। नवंबर की देखते हैं। सो नवंबर में कहीं ना कहीं आप मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो हीलिंग कैसे होती है, अब एक वर्ड है हीलिंग, अब हीलिंग को समझे कैसे। आप कहेंगे हीलिंग किस चीज की करनी है, मैं तो बीमार नहीं हूं, टचवुड कर लीजिए कि आपकी हेल्थ सही है। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल हीलिंग की बात भी नहीं हो रही है, ये आपकी मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, साइकोलॉजिकल हीलिंग की कहीं ना कहीं बात हो रही है। कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास को बैलेंस करते हुए, चक्रों की हीलिंग करते हुए, कहीं ना कहीं अपने हार्ट की हीलिंग करते हुए, कहीं ना कहीं जो आपके विचार थे, जो उल्टे पुल्टे विचार आते थे, उल्टी सीधी कमांड्स आपके माइंड में जो गई हुई थी, उनको हील करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नवंबर में आप करेंगे सेल्फ की हीलिंग, हो सकता है कोई आप ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लें जो आपकी सेल्फ की हीलिंग, जो ट्रॉमा हीलिंग है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, उस तरह का कोई कोर्स कर लें। हो सकता है कोई इस तरह की वीडियोस आप देखने शुरू कर दें जो आपकी हीलिंग करें। हो सकता है कोई आप ऐसी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना शुरू करें जहाँ से आपकी हीलिंग हो, और हो सकता है नेचुरली इन चीज़ों से गुजरते हुए कहीं ना कहीं आप अपने आप ही हीलिंग के प्रोसेस में चले जाएं। तो हर किसी के लिए हीलिंग का एस्पेक्ट डिफरेंट होगा, बट डेफिनेटली आपके कार्ड्स में नवंबर में हीलिंग तो या कहीं रिक्वायर्ड है। जो लोग नहीं करेंगे उनके लिए रिक्वायर्ड है, और जो लोग करेंगे उनके लिए है कि बहुत अच्छा है, हीलिंग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद लास्ट कार्ड देखिए कितना अच्छा आया है दिसंबर में। कोई सोच सकता था जिस इंसान का 2024 ऐसे शुरू हुआ है सोल ट्राइब का, उसका 2024 ऐसे खत्म होगा? क्यों? क्योंकि उस इंसान ने खुद पे काम किया है। तो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब जो है ना, मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है 2024 में। जितने भी हर्डल्स आएंगे बड़ी इजीली उनको पार करेगा, अवेयरनेस में रहेगा, कंप्लीट फील करेगा, हार्मोनियस फील करेगा, कहीं ना कहीं साइलेंस में जाके मेडिटेशन और प्रेयर करेगा अपने लिए, कंट्रोल फ्रीक से थोड़ा सा हटेगा। ठीक है, कंट्रोल फ्रीक नहीं रहेगा, अकेला रहना पड़े तो अकेला भी रहेगा उस चीज के लिए, पास्ट लाइफ्स के जो है ट्रोमा को भी सेटल डाउन करेगा इस बार, क्रिएट करेगा अपने लिए बहुत कुछ, हीलिंग करेगा खुद की स्कॉर्पियो सोल ट्राइब कहीं ना कहीं। देन अब आएगी एनर्जी ऑफ शेयरिंग। जब आप हीलिंग कर लेते हैं ना खुद की, ये सबसे सबसे अहम बात होती है। मोस्टली हम कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं, क्यों? क्योंकि हम हील्ड नहीं है। जब हम हील्ड नहीं है ना, जिसे कहते हैं ना अंदर अगर एक घाव है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें पेन होता रहता है। जब हमने वो घाव भर लिया, जब हमने उसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर ली, ठीक कर ली, तो फिर हमें दर्द थोड़े ना होता है। फिर हम जाते हैं शेयरिंग की एनर्जी में, और शेयरिंग कौन करता है? जिसके पास कुछ होता है। तो आपने अक्टूबर में बहुत कुछ अपने लिए क्रिएट किया है, और जब आपके आप कुछ क्रिएट करते हैं ना अच्छा सा, आप उसे अपने पास नहीं रखते हैं। अब ये जो माइजर आप बने हुए थे, ये इसलिए कि ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना थी, ये अच्छी चीज थी ही नहीं। आप इसे शेयर करते भी तो क्या करते, इसको तो जरूरी था कि आप माइजर हो जाएं और अपने पास ही रखें। कोई अच्छी चीज होती है तो हम अपने पास नहीं रख सकते हैं, हमारा मन करता है कि हम उसे अपनों के साथ शेयर करें। तो आप ढेर सारी अबंडेंस, खुशियां, जॉय, प्रोस्पेरिटी, जो भी आपने कमाया है 2024 में, उसे अपनों के साथ शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इसमें सारी अबंडेंसेस हैं आपके पास, रुपया, पैसा, धन दौलत, जो भी हो सकता है, आपके ड्रीम्स कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं फुलफिल्ड हुए हैं। आप लोगों के साथ शेयरिंग, सेलिब्रेशन और केयरिंग में रहते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग, बड़ी पॉजिटिव सी, बड़ी अच्छी सी रीडिंग रही, रोलर कोस्टर टाइप रीडिंग भी रही बीच बीच में। तो कोई बात नहीं है, लाइफ है, होता रहता है, चलता रहता है, कोई बात नहीं है। तो 2024 आपके लिए ढेर सारी
प्रोस्पेरिटी अबंडेंस लेके आएगा। ऐसे आपके मंगल की मैं भी कामना करती हूँ। आप खुश रहें और आबाद रहें, बिल्कुल हैप्पी रहें, जॉयफुल रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।